नया सवेरा सिविल सर्विसेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सतीश चंद्रा एज ऑलवेज आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे 15वें प्रवासी दिवस के उस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो मैं बात करूँगा इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या रखी गई थी, पहला प्रश्न। सेकेंड प्रश्न की बात करें तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे, किस शहर में आयोजित किया गया और ये कौन से नंबर का प्रवासी दिवस था, अर्थात कौन सा संस्करण था। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसका वेन्यू अर्थात इसका आयोजन स्थल किस शहर में किया गया और दूसरा ये बार बार आ रहा है कि इसकी थीम क्या रखी गई थी। चलिए शुरू करते हैं। तो 15वें प्रवासी भारतीय दिवस की अगर वेन्यू की बात करें तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर आयोजित किया गया था 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में। ये 15वां संस्करण था प्रवासी दिवस के दिवस का, ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस था। अगर इसके मुख्य अतिथि की बात करें तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रवीण जगन्नाथ ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बात करें तो इसकी थीम क्या थी, जी हाँ, 15वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए बाकी की डिटेल्स हम एक एनिमेटेड वीडियोस में देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपके किसी काम की आए तो ज़रूर इसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हम इस तरीके के वीडियोज़ हमेशा फ्री बनाते रहेंगे सभी एग्जाम्स के लिए। प्रमाण है विदेश में रहने वाले इन भारतीयों के योगदान का नए भारत के निर्माण में। वाराणसी के पावन एवं पवित्र नगर में आरंभ होने वाले इस 3 दिवसीय समारोह में हिस्सा लेंगे दुनिया भर से आए हजारों की संख्या में प्रवासी भारतीय। वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती से प्रवासी भारतीयों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रवासी ग्राम बनेगा संपूर्ण सुसज्जित सुविधाओं युक्त टेंट सिटी। मुख्य समारोह का आयोजन होगा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, जहां होंगे अधिवेशन, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम।